वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल मेक टेक सुमन पर आज हम देखने वाले हैं एप्रॉन मैकेनिज्म जो लेद में लगा हुआ होता है। तो इसका काम क्या है? एप्रॉन मैकेनिज्म ये काम करता है कि जब हमें कैरियज को ऑटोमेटिकली मूव करना होता है तो उसे जो पावर चाहिए उसे प्रोवाइड करना एप्रॉन मैकेनिज्म का काम है। तो ये होता कैसे है? पिछले वीडियो पर हम देखे थे टमलर गियर मैकेनिज्म। उससे क्या होता था? उससे होता था कि फीड रॉड कैसे घूमता है, उसमें पावर कैसे आते हैं वो देखे थे। तो अब फीड रॉड घूम चुके हैं तो फीड रॉड से पावर कैसे कैरेज में ट्रांसफर होगा या ट्रांसमिट होगा वो एप्रॉन मैकेनिज्म का काम होता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? एप्रॉन मैकेनिज्म में होता तो है एक कैरिएज जिसे हमें ऑटोमेटिकली मूव करना है, और होता है फीड रॉड जिसके साथ लगा हुआ होता है वॉर्म। ये वॉर्म कनेक्ट है किससे? एक गियर से जिसका नाम है वॉर्म व्हील। यह क्या काम करेगा? जब फीड रॉड घूमेगा तो वॉर्म भी घूमेगा और उससे मेस हुए वॉर्म व्हील वो भी घूमेगा। वॉर्म व्हील के बाद है एक एडजस्टेबल गियर। ये गियर का फंक्शन क्या है? ये गियर इस लीवर को घुमाने से ये यहाँ और यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। ये क्या है? ट्रैवर्सिंग व्हील। ये क्या है? अगर हम इसे घुमाते हैं तो हमारे जो कैरिएज है वो क्या होता है, हेड स्टॉक या टेल स्टॉक की तरफ मूव करता है अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ट्रैवर्सिंग व्हील होता है हेड स्टॉक या टेल स्टॉक की तरफ कैरिएज को घुमाने के काम में। और ये क्या होता है? ये होता है क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील। जो हमारे टूल है उसे घुमाना है किस तरफ? ना क्रॉसली, क्रॉसली बेड के ऊपर क्रॉस में मूव करना होता है। ये कब जरूरी होता है? ये जरूरी होता है फेसिंग में, और भी कई ऑपरेशन में इसका ज़रूरत होता है। ये क्या है? यह है रैक, ठीक है। ये इसके ऊपर टीथ काटे हुए होते हैं, ठीक है। इस रैक के ऊपर ये जो ट्रैवर्सिंग व्हील है ये मेस रहता है। इसका घूमने से क्या होता है? हमारा जो कैरिएज है वो आगे और पीछे मूव होता है। तो अब इसका फंक्शन देखते हैं। मेन शाफ्ट से पावर आया फीड रॉड में, तो फीड रॉड अब रोटेट होगा। फीड रॉड के रोटेट होने से क्या होगा? उसके साथ जो वॉर्म अटैच हुआ है वॉर्म भी रोटेट होना चालू करेगा। वॉर्म से जो मेस है वो है वॉर्म व्हील। वॉर्म के रोटेट होने से वॉर्म व्हील भी रोटेट होगा, ठीक है। वॉर्म व्हील रोटेट होने से क्या होगा? वॉर्म व्हील रोटेट होने से इसके साथ मेस है एडजस्टेबल गियर, तो ये एडजस्टेबल गियर भी घूमेगा। लेकिन वॉर्म व्हील जिस दिशा में घूमेगा एडजस्टेबल गियर बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में घूमेगा। तो एडजस्टेबल गियर में से किससे? ट्रैवर्सिंग व्हील में। तो एडजस्टेबल दोनों, ये ट्रैवर्सिंग व्हील और वॉर्म व्हील दोनों से भी मेस है। तो एडजस्टेबल गियर की घूमने से ट्रैवर्सिंग व्हील भी घूमेगा, और ट्रैवर्सिंग व्हील का घूमने से क्या होगा? अगर ये इस तरफ घूमेगा तो हमारा जो कैरिएज है वो मूव करेगा हेड स्टॉक की ओर। अगर ये उसकी विपरीत दिशा में घूमेगा तो हमारा जो कैरिएज है वो घूमेगा इस तरफ। लेकिन विपरीत दिशा में कैसे घूमेगा? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था टम्बलर गियर के बारे में। तो टम्बलर गियर मैकेनिज्म से हम फीड रॉड को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तो वहाँ से ही हम फीड रॉड का दिशा चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो फीड रॉड की दिशा अगर क्लॉकवाइज रखा तो हमारा जो कैरिएज है वो हेडस्टॉक की तरफ मूव करेगा। अगर क्लॉक फीड रॉड की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो कैरिएज हमारी मूव करेगा ये जो टेल स्टॉक रहता है इसकी तरफ। ये तो क्या, कैसे हम टूल को आगे और पीछे डालेंगे, ठीक है, हेडस्टॉक और टेल स्टॉक की तरफ कैसे टूल को मूव करेंगे, ये तो क्या। इसके बाद अब हम लीवर को नीचे हिस्सों में खींचेंगे तो क्या होगा? ये एडजस्टेबल जो गियर है ये मेस करेगा क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील की में एक गियर लगा रहता है उससे। तो देखते हैं कैसे मेस करता है। हम लीवर को इस तरफ
घुमाया तो क्या हुआ, एडजस्टेबल जो व्हील थे वो अब क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील से मेस हो गया। क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील का काम क्या होता है, क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील का काम होता है टूल को आगे और पीछे ले जाना, किस तरफ ना, क्रॉसली बेड के ऊपर क्रॉसली उधर से इधर मूव करना काम होता है टूल को। अगर ये एडजस्टेबल गियर इस क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील के जो गियर है उससे मिस हो गया तो अब क्या होगा, अब फीड रॉड में अगर पावर आएगा तो वर्म भी घूमेगा, और वर्म के घूमने से क्या होगा, वर्म के घूमने से उसके साथ जुड़े वर्म होल भी घूमेगा, वर्म होल का घूमने से क्या होगा, एडजस्टेबल गियर घूमेगा, एडजस्टेबल गियर घूमने से क्या होगा, एडजस्टेबल गियर हमारी मेस है किससे ना, ये जो क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील का गियर है उससे मेस है। तो वर्म होल के घूमने से एडजस्टेबल गियर घूमेगा उसके विपरीत दिशा में, और एडजस्टेबल गियर के विपरीत दिशा में घूमेगा क्रॉस स्लाइड जो हैंड व्हील है वो घूमेगा, और उसके घूमने से क्या होगा, हमारा जो टूल है वो क्रॉसली बेड के ऊपर मूव करेगा। इस वक्त क्या होता है, हमारा जो टबार्सिंग व्हील है वो रैक के ऊपर से आगे और पीछे नहीं जाता है क्योंकि उसमें कोई पावर दिया नहीं जाता है, तो हमारा इसमें सिर्फ और सिर्फ जो टूल है वो बेड के ऊपर क्रॉसली आगे और पीछे मूव करेगा। तो एप्रॉन मैकेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, हम टूल को हेडस्टॉक या टेलस्टॉक की तरफ भी ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हैं और हमारा जो टूल है उसे बेड के ऊपर क्रॉसली आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, हमें मैनुअली कोई पावर रिक्वायर नहीं होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये गया एप्रॉन मैकेनिज्म का फंक्शन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे दीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने के दोस्तों के साथ ताकि उनको भी लर्निंग करने का मौका मिले। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।